कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज अपने ऐलान के तहत ट्रैक्टर रैली निकाली है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय हड़कंप मच गया जब किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने नोएडा मोड पर रोक दिया। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंसू गैस के गोले छोड़ने के कारण किसानों द्वारा पांडव नगर पुलिस पिकेट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करना बताया जा रहा है। पुलिस का दावा तो यह भी है कि निहंगों ने तलवार से पुलिस कर्मियों पर हमले की कोशिश भी की। यहां आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर से लगातार ट्रैक्टर निकल रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से निकली ट्रैक्टर परेड के आगे घोड़ों पर निहंग फौज चल रही है। रास्ते में लोग ट्रैक्टर परेड का स्वागत कर रहे हैं। स्वरूप नगर में लोगों ने किसानों पर फूल बरसाए। ये जगह सिंधु बॉर्डर के करीब 14 किलोमीटर आगे है। नांगलोई में लोग ढोल बजाते और नाचते हुए दिखे। सिंधु और टीकरी बॉर्डर से किसानों के जत्थे पैदल भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक किसान दिल्ली पुलिस के लिए रूट पर हैं। ये लोग आगे एक टी पॉइंट पर रुक गए हैं। माना जा रहा है कि इनका रिंग रोड से एंट्री करने का प्लान है, इसलिए टी पॉइंट से तय रूट पर बढ़ने की जगह वहीं ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि एक साथ दिल्ली में घुस सके। किसानों ने दावा किया था कि सिंधु टीकरी और गाजीपुर पर करीब 1 लाख ट्रैक्टर जुटेंगे। अगर बात करें सिंधु बॉर्डर की तो यहां पर ट्रैक्टरों की 35 से 40 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। टीकरी बॉर्डर पर 60,000 ट्रैक्टर पहुंचने का दावा किया गया। ट्रैक्टरों के अलावा यहां किसान बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन लेकर भी पहुंचे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। इस बॉर्डर पर ज्यादातर ट्रैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए। यहां 15,000 ट्रैक्टर पहुंचने का अनुमान है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर लेकर किसानों का दिल्ली कूच सुबह 11 बजे शुरू हो गया। हरियाणा पुलिस ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर बॉर्डर से बैरिकेटिंग हटा दी है। एक एक ट्रैक्टर को गुजार रही है। खास बात यह रही कि ट्रैक्टर परेड में ट्रैक्टरों से ज्यादा जीप और कारें भी हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक वाहनों का रेला लगा हुआ है। इन पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, साथ ही देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 1500 ट्रैक्टर और एक पर 3 लोगों को बैठने की अनुमति दी है, जबकि एक ट्रैक्टर पर 5 से 7 लोग तक बैठ सके हैं। उधर हरियाणा पुलिस ने शाहजहांपुर बॉर्डर से जाने वाले किसानों को बॉर्डर से 65 किलोमीटर दूर मानेसर तक ही जाने की अनुमति दी है। यहां यह भी बताते चले कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के करीब 5,000 से ज्यादा जवान तैनात है। साथ ही हाईवे पर जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने किसानों को सिर्फ 5,000 ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने की मंजूरी दी है, लेकिन अकेले सिंधु बॉर्डर पर 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD.